सो गाइज, नई अभी एक कॉमिक्स आई है नागराज की, सर्प शत्रु। उसमें डेंजर डबोली का जिक्र है। तो उसी सीरीज की ये कॉमिक्स बिल्कुल उसके एरा की लास्ट कॉमिक्स थी जो बनाई गई थी। आइए देखते हैं इसकी क्या स्टोरी रही है। डॉक्टर फंटासी बरसों से एक प्रयोग में व्यस्त था। वह एक डायनासोर का निर्माण करना चाहता था। बरसों की मेहनत सफल होती दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय सर को जो बोली, यह प्रयोग मैं तुझ पर करूँगा। मैं तुझे पंख भी पहले दे चुका हूँ, तू उड़ सकता है, लेकिन मुझे डर है कि पृथ्वी में तेरी उत्पत्ति विनाश का कारण बनेगी। इसलिए मैं तुझे एक कैप्सूल में बंद करके हजारों फीट नीचे ज़मीन में पहुँचाऊँगा। मैंने तेरे अंदर एक ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया है जिससे मैं तेरी तस्वीरें कंप्यूटर पर देख सकूँगा। तू जहाँ भी जाएगा मेरे कंप्यूटर के नियंत्रण में रहेगा। डबोली को फंटासी ने एक इंजेक्शन लगा दिया। इसके द्वारा वह कीटाणु तेरे शरीर में प्रविष्ट होंगे और तेरी शक्ल बदलने लगेगी। तेरी टांगें बनेंगी, हाथ बनेगा, इंसान जैसा चेहरा बनेगा और तू विशालकाय रूप धर लेगा और इंसानों की तरह बोलेगा। और मैं कंप्यूटर द्वारा ज़रूरत पड़ने पर तेरे नष्ट हो चुके अंगों को इसी जगह बैठकर निर्माण कर डालूँगा। इस तरह तू किसी के हाथ नष्ट नहीं हो पाएगा। अब देखना है मेरा प्रयोग कितना सफल होता है। हा हा हा। फंटासी ने डबोली को कैप्सूल में बंद किया और कैप्सूल को एक रॉकेट में रख दिया। यह रॉकेट ज़मीन के अंदर हजारों फुट नीचे जाकर तुझे आज़ाद कर देगा। रॉकेट चला दिया गया। घूम, रॉकेट ज़मीन में धंसने लगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो डबोली इतना ताकतवर हो जाएगा कि पृथ्वी के किसी भी हिस्से से बाहर आ जाएगा। डबोली संसार के किसी भी मुल्क में तबाही करने में सक्षम होगा। राकेश डबोली को ज़मीन के अंदर ले जा रहा था। धूप, मैंने किताबों में पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर का हिस्सा खोखला है। बहुत से लोगों का मत है कि नीचे पाताल लोक है। डबोली के माध्यम से मुझे यह जानकारी भी दी जाएगी कि पाताल लोक की सच्चाई क्या है। अगर यह असत्य है तो डबोली पृथ्वी के उस सिरे से बाहर निकलेगा जो यहाँ से विपरीत दिशा में पड़ता है, और यह विपरीत दिशा जगह एशिया का मुल्क हिंदुस्तान होगा। डबोली का रॉकेट पाताल लोक के स्वर्गदेश में जा पहुँचा। धू, अरे यह आसमान से क्या बला उतर रही है। समाचार स्वर्गदेश के सम्राट तौसी तक जा पहुँचा। क्या कहा, आसमान से कोई चमकदार वस्तु नीचे आ रही है। तौसी ने अपने बाड़ों की बौछार कर डाली। करड़ करड़ करड़। ओ सचमुच आश्चर्यजनक, रॉकेट पर बाड़ों का आक्रमण। पाताल लोक यही है। अब मैं डबोली का कैप्सूल बाहर करता हूँ। कैप्सूल बाहर आ गया। कैप्सूल समुद्र में गिरता है। रॉकेट ब्लास्ट हो गया। बड़ाम बड़ाम, उससे कोई चीज निकलकर समुद्र में गिरी है। तौसी अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुँचा। यहाँ कोई रॉकेट था, हो न हो उससे घातक बम भी गिरा है। अब कैप्सूल खोलता हूँ। डबोली पानी में तैरने लगा। सर, पानी में उतर जाओ और उस चमकीली वस्तु को बाहर निकाल लाओ। सर्पदेश के सर्प मानव रूप में रहते थे। छपाक छपाक, सर्पों ने कैप्सूल तलाश कर लिया। कैप्सूल बाहर निकल रहा है। यह क्या हो सकता है, अंदर से खोखला बम तो नहीं, फिर क्या हो सकता है। कैप्सूल को महल में लाया गया। कोई बेकार की चीज़ लगती है, हो सकता है रॉकेट का टूटा हुआ कोई टुकड़ा हो। उधर डबोली का रूप विकसित होने लगा। वाह, मेरे हाथ में निकल आए, मेरे पाँव निकल आए, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। सड़ाप सड़ाप सड़ाप, मैं कामयाब हो गया। डबोली को नियंत्रण में लेता हूँ। कुछ दिनों बाद अब मैं डबोली के जरिए पाताल की सैर करता हूँ। जो कुछ डबोली देखेगा उसके चित्र मेरे कंप्यूटर पर आते रहेंगे। डबोली को पानी से बाहर निकालो। डबोली का पंख बाहर निकला। छपाक, चल पड़ा। छप 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 छप, डबोली अब जरा उड़कर उस जगह का नजारा दिखाओ। डबोली उड़ा। अरे इतना विकराल पक्षी, इसे ख़त्म कर दो, कोई दैत्य है।
डबोली पर सैनिकों ने तीर की बौछार कर डाली। सक 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 सक, ओह यह तो पूरा नगर बसा हुआ है। डबोली पर हमला हो रहा है। मुझ पर कांटे फेंक कर तंग कर रहे हो कमीनो, अभी मजा चखाता हूँ। डबोली नीचे उतर आया। सड़ 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 बस्ती में। नाम मेरा है डबोली, मूल जाति के सर्प हैं। अब मैं बन गया डेंजर डबोली। ठपाक तड़ाक, कईयों को डबोली पकड़ पकड़ कर खा गया। करच करच, हा 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 हा। अब मैं और बड़ा होता जा रहा हूँ। डबोली ने एक बस्ती उजाड़ डाली। सड़ाक सड़ाक, सर्प देश में भगदड़ मच गई। बचाओ शैतान डबोली, जेंडर डबोली। मुझे डबोली से युद्ध लड़ने की अनुमति दे पिताश्री। नहीं टनी, वह कोई राक्षसी शक्ति है, मैं उसे स्वयं युद्ध करूँगा। मैं विशाल हूँ विकराल, है कोई मेरी जोट का पहलवान। तौसी उस जगह पहुँचा। तुम कौन हो? मैं पाताल विजेता सर्वशक्तिमान सर्पदेश का सम्राट तौसी हूँ। है तौसी, ये नाम तो मैं सुन चुका हूँ। यह तो इच्छाधारी सर्प है जिसके बहुत से किस्से मैंने सुने हैं। इसका मतलब डबोली पाताल के सर्पदेश में है। अगर यह इच्छाधारी मुझे मिल जाए तो डबोली और तौसी मिलकर पूरे विश्व पर कब्जा कर सकते हैं। देखता हूँ तौसी के बारे में सुना है वह कहाँ तक सच है। डबोली इसे पकड़ो। अबे तौसी मौसी, तू अपना कद तो देख, मुझसे क्या लड़ेगा। कहाँ डेंजर डबोली, कहाँ यह छोटा सा तौसी। एक पाँव से कुचल डालूँगा बेटे, हा 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 हा। डबोली ने पाँव से ठोकर मारी। ठपाक, तौसी आकाश में उड़कर कलाबाजियाँ खेलने लगा। बड़ा ताकतवर है, इससे निपटने के लिए इसके जैसा रूप बनाता हूँ। तौसी ने विकराल रूप धरा। सड़ 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 सड़, अब बोल, है बराबर की टक्कर। दोनों में द्वंद होने लगा। करड़ करड़, फंटासी सारे दृश्य कंप्यूटर पर देख रहा था। आश्चर्यजनक, यह तो डबोली के कद का हो गया। ओ गॉड, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। ठपाक तड़ाक ढिशुम, दोनों में युद्ध हो रहा था। तौसी ने अपने वज्रास्त्र का मंत्र पढ़ा। वज्रास्त्र से इसे खत्म करता हूँ। मंत्र पढ़ते ही वज्रास्त्र तौसी के हाथ में आया। तू एक शैतान है डेंजर डबोली, तेरे साथ द्वंद्व लड़कर समय नष्ट करना व्यर्थ है। थनाक, वज्रास्त्र की चोट से डबोली जमीन में घुस गया। छप, डबोली आधा जमीन में घुस गया था। ठन ठनाक, अब डबोली का सिर बाहर रह गया था, डबोली जमीन में पूरा घुस गया। ठनाक, चलो यहाँ मजबूत पत्थरों का चबूतरा बना डालो। सैनिकों ने चबूतरा बना डाला। वाह क्या शस्त्र है। डबोली में एक ही कमी रह गई, न उसके पास कोई शस्त्र, न यह शस्त्र की काट जानता है। लेकिन मेरा डबोली मरेगा नहीं, वह सिर्फ बेहोश हो गया है। चल डबोली होश में आ, चल डबोली होश में आ। रात का अंधेरा फैलते ही डबोली को होश आ गया। बड़ी तगड़ी मार लगाई इसने तो। डबोली जमीन फाड़ कर बाहर आ, डबोली बाहर आ गया। गरड़ गरड़ गरड़, कहाँ गया, यह तो अब कोई नहीं है। डबोली इस वक्त किसी गहरे समुद्र में छिप जाए। डबोली उड़ गया। देखता हूँ कोई गहरा समुद्र मिल जाए तो उसमें छिप जाऊँगा। डबोली को समुद्र मिल गया, ये रहा गहरा समुद्र। फड़ 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 फड़, डबोली समुद्र में उतर गया। गड़ाप, थोड़ा लेटकर आराम कर लूँ। दिन के उजाले में डबोली को समुद्र के अंदर एक सुरंग नजर आई। लगता है इस तरफ कोई रास्ता है, इसमें घुसकर देखता हूँ, शायद उस तरफ मेरे लिए कोई ठिकाना मिल जाए। डबोली पेट के बाजू रेंगता सुरंग में बढ़ चला। किसने बनाई होगी समुद्र में सुरंग, यह डबोली कहाँ जा रहा है, देखते हैं यहाँ क्या है। डबोली समुद्र सुरंग से एक गार में पहुँच गया। अजीब बदबूदार जगह है। तभी सड़ाक सड़ाक, डबोली जंजीरों से बंध गया। कौन है बे, सामने आ। बड़ी मजबूत जंजीर है, मैं तो हिल नहीं पा रहा हूँ।
अबे मुझे किसने बांधा है, क्यों बांधा है, क्या तौसी का कोई नया जादू है, सामने आ तौसी। धोखेबाज दुश्मन से वार करता है, जादू चलाता है। हम आ गए, सामने हम दो हैं, दो प्रेत। प्रेत? हाँ, मेरा नाम सलाका और यह मेरी पत्नी सरूपी। हम दोनों प्रेत योनि में भटक रहे हैं, हमने यहाँ अपनी शक्तियों से सुरक्षित ठिकाना बनाया हुआ है। अरे मगर तुमने मुझे क्यों बांध डाला? हमने समझा कि तुम्हें तौसी ने यहाँ हमें ख़त्म करने भेजा है। वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन तुम हो कौन? डेंजर डबोली कहते हैं मुझे, सर्फ देश को तहस नहस करने आया हूँ। और तुम्हारा क्या किस्सा है, मुझे क्यों बांध डाला? हम तौसी, तनी और नाग बाबा की साजिश का शिकार बनकर प्रेत योनि में मर रहे हैं, यहाँ छुपे हुए हैं। हम इन तीनों से इंतकाम लेने का प्रण कर चुके हैं, लेकिन हमारी बेबसी यह है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो नाग बाबा का कालू जी हमें पकड़ेगा, लेकिन अगर नाग बाबा हमारी सुरंग में भूल से कभी वापस आ गया तो हम कालू को भी विवश करके इसी तरह बांध देंगे जैसे तुम्हें बांधा है। बस हम उसी दिन की प्रतीक्षा में यहाँ अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी है? पिछले जन्म में टनी ने सलाका की हत्या की थी, मैं एक इच्छाधारी नागिन उससे बदला लेने के लिए एक जन्म तक प्रतीक्षा करती रही। उसका जन्म सर्पलोक में हुआ, सलाका का शव मैंने सुरक्षित रखा था क्योंकि टनी के खून की बूंदों से सलाका जीवित हो जाता। मैं एक सपेरे की मदद से टनी को पकड़ के सर्पलोक पहुंची, लेकिन इन तीनों ने मिलकर न सिर्फ सलाका का शव जला डाला बल्कि मुझे भी मार डाला, और हम तभी से प्रेतयोनि में भटक रहे हैं। मगर यह नाग बाबा और टनी कौन है? नाग बाबा तौसी का गुरु है, टनी उसका पुत्र है। क्या तुम अपनी प्रेत शक्ति का प्रयोग इस गार से बाहर भी कर सकते हो? हाँ, लेकिन तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक नाग बाबा और उसके जिन को बांध न लेंगे। नाग बाबा का पता ठिकाना बताओ और मैं उसे लेकर यहाँ आता हूँ, फिर तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम हमेशा तुम्हारे हुक्म के गुलाम रहेंगे। दोनों प्रेतों ने डबोली को नाग बाबा के आश्रम का पता बता डाला। अब हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। आज़ाद होते ही डबोली सुरंग से बाहर निकला। मेरे लिए छिपने का यह सबसे सुरक्षित ठिकाना है, और अगर इन दो प्रेतों की बात सच निकली तो फिर सर्प देश तबाह करके ही रहूँगा। डबोली रात का इंतजार करने लगा। रात को उठाऊंगा नाग बाबा को, रात के समय फड़फड़ फड़फड़। नाग बाबा अपने आश्रम में सो रहे थे। सोते समय कालू जी नाग बाबा के सिरहाने पहरा देता था। यह आश्रम बनाया बताया प्रेतों ने, पूरी कुटिया ही उठाकर ले चलता हूँ। डबोली ने कुटिया उठा ली, फच कुटिया उठा करके उड़ चला। यह भूकंप कैसा? कुटिया में भूकंप? क्या सर्प देश में भूकंप आ रहा है? कालू ने नाग बाबा को जगाया। नाग बाबा, नाग बाबा, क्या बात है कालू? भूकंप आ रहा है? अरे हाँ, कुटिया हिल रही है, बाहर निकल कर देखो। कालू बाहर निकला। अरे हम तो जमीन पर है ही नहीं। कालू वापस नाग बाबा के पास पहुंचे। हमारी कुटिया तो आकाश में उड़ रही है क्या? जब तक नाग बाबा सोचते, डबोली कुटिया को समुद्र में ले गया है। गड़ाप, पानी! कुटिया में पानी भर रहा है। नाग बाबा तेजी के साथ कुटिया के द्वार से बाहर निकले। ओह, हम गहरे पानी में हैं। अंधेरे में डबोली देख सकता था। सड़ाप, डबोली ने नाग बाबा को दबोचा और पानी में उतरता चला गया। कालू, यह कोई शैतान है! कालू ने डबोली पर हमला कर दिया। ठक कड़ाक, चाहे जितनी मार लगा ले मगर इस बुड्ढे को नहीं छोड़ने वाला। डबोली नाग बाबा को सुरंग में ले आया। ढुसीम कड़ाक, यह कोई भारी भरकम जीवात्मा है, कहीं शैतान डबोली तो नहीं है? डबोली नाग बाबा को गार में ले आया। ठपाक, नाग बाबा जंजीरों में बंध गए। डबोली ने कालू को पटका। ठपाक, कालू जंजीरों में बंध गया। सड़ाक, हा, अब तुम दोनों में से कोई इन जंजीरों से आज़ाद नहीं हो सकता। ओह, यह तो सरोपी और सलाका के प्रेत है।
इस गार में हमारी शक्ति का साम्राज्य है, तुम दोनों यहाँ अब हमारे कैदी बनकर रहोगे। चलो डबोली चलो, और अब हम टनी और तौसी का खात्मा कर डालेंगे। फंटासी के कंप्यूटर पर दोनों प्रेतों की तस्वीरें नहीं दिख रही थी। माजरा क्या है, यह डबोली किससे बातें कर रहा है? डबोली, हम तुम्हारे दाएं बाएं कंधों पर सवार रहेंगे, हमें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख पाएगा, जो हमें सिर्फ हमारे गार में देखा जा सकता है। बाएं कंधे पर सरोपी तौसी और टनी के शस्त्रों की काट करेगी, और दाएं कंधे पर बैठा सलाका प्रेत शस्त्रों से काट करेगा। बाकी जो भी सामने आएगा उसे मैं गाजर मूली की तरह खा जाएगा। हा हा हा, कहाँ है तौसी, कहाँ है टनी? डबोली ने सर्प देश में तबाही मचा डाली। तड़ाक सड़ाक गरज गरज, डबोली फिर आ गया। उसे तो मैंने ज़मीन में दफना दिया था। तौसी एक बार फिर डबोली से युद्ध करने पहुंच गया। इस बार मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, तौसी ने विकराल रूप धर लिया। तौसी दोनों हाथों से तलवारों का वार करने लगा। सड़ाक सड़ाक, सरोपी तौसी के तलवारों के हमले तलवारों से काटने लगे। यह मेरी तलवारों से किसकी तलवार टकरा रही है? खनाक, सलाका ने तौसी पर बाणों की बरसात कर डाली। सक सक सक, तौसी बाणों से बिंध कर घायल हो गया। बाण कौन चला रहा है? पकड़ ध्वज, डोबोली को बांध डालो। बाणों से घायल तौसी धरती पर गिर पड़ा। सक सक सक, तौसी मूर्छित हो गया। आह, पकड़ध्वज ने डबोली को लपेट लिया। सड़ाक, इसने मुझे बांध डाला। तौसी की मूर्छा की खबर टनी को मिली। महाबली पर अदृश्य तीरों के वार हुए हैं, मुझे लगता है कोई भारी गड़बड़ है। तुम पिताश्री को अज्ञात महल में लेकर आओ, इस बीच मैं उसे रोकता हूँ। टनी युद्ध स्थल पर आ पहुँचा, हमारा दूसरा शिकार भी आ पहुँचा, मगर मुझे इस अजगर से तो छुड़ाओ। टनी हवा में दौड़ता हुआ आया। सलाका ने बाढ़ छोड़े। सक सक सक, टनी ने डबोली पर चुंबी तलवार से वार किए। खचाक, टनी ने डबोली को मार डाला। ठपाक, डबोली जमीन पर धराशायी हो गया। अब मैं बन गया डेंजर डबोली। ठपाक तड़ाक, कईयों को डबोली पकड़ पकड़ कर खा गया। करच करच, हा 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 हा, अब मैं और बड़ा होता जा रहा हूँ। डबोली ने एक बस्ती उजाड़ डाली। सड़ाक सड़ाक, सर्क देश में भगदड़ मच गई। बचाओ शैतान डबोली, जेंडर डबोली, मुझे डबोली से युद्ध लड़ने की अनुमति दे पिताश्री। नहीं टनी, वह कोई राक्षसी शक्ति है, मैं उसे स्वयं युद्ध करूंगा। मैं विशाल हूँ विकराल, है कोई मेरी जोट का पहलवान? तौसी उस जगह पहुंचा। तुम कौन हो? मैं पाताल विजेता सर्वशक्तिमान सर्पदेश का सम्राट तौसी हूँ। है तौसी, ये नाम तो मैं सुन चुका हूँ। यह तो इच्छाधारी सर्प है जिसके बहुत से किस्से मैंने सुने हैं।
इसका मतलब डबोली पाताल के सर्पदेश में है। अगर यह इच्छाधारी मुझे मिल जाए तो डबोली और तौसी मिलकर पूरे विश्व पर कब्जा कर सकते हैं। देखता हूँ तौसी के बारे में सुना है वह कहाँ तक सच है। डबोली इसे पकड़ो। अबे तौसी मौसी, तू अपना कद तो देख, मुझसे क्या लड़ेगा। कहाँ डेंजर डबोली, कहाँ यह छोटा सा तौसी। एक पाँव से कुचल डालूंगा बेटे, हा। डबोली ने पाँव से ठोकर मारी, ठपाक। तौसी आकाश में उड़कर कलाबाजियाँ खेलने लगा। बड़ा ताकतवर है, इससे निपटने के लिए इसके जैसा रूप बनाता हूँ। तौसी ने विकराल रूप धारा, सड़ 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 सड़। अब बोल, है बराबर की टक्कर। दोनों में द्वंद होने लगा, करड़ करड़। फंटासी सारे दृश्य कंप्यूटर पर देख रहा था। आश्चर्यजनक, यह तो डबोली के कद का हो गया। ओ गॉड, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। ठपाक तड़ाक ढिशुम, दोनों में युद्ध हो रहा था। तौसी ने अपने वज्रास्त्र का मंत्र पढ़ा, वज्रास्त्र से इसे खत्म करता हूँ। मंत्र पढ़ते ही वज्रास्त्र तौसी के हाथ में आया। तू एक शैतान है डेंजर डबोली, तेरे साथ द्वंद्व लड़कर समय नष्ट करना व्यर्थ है। ठनाक, वज्रास्त्र की चोट से डबोली जमीन में घुस गया। छप, डबोली आधा जमीन में घुस गया था। ठन ठनाक, अब डबोली का सिर बाहर रह गया था, डबोली जमीन में पूरा घुस गया। ठनाक, चलो यहाँ मजबूत पत्थरों का चबूतरा बना डालो। सैनिकों ने चबूतरा बना डाला। वाह क्या शस्त्र है, डबोली में एक ही कमी रह गई, ना उसके पास कोई शस्त्र, ना यह शस्त्र की काट जानता है। लेकिन मेरा डबोली मरेगा नहीं, वह सिर्फ बेहोश हो गया है। चल डबोली होश में आ, चल डबोली होश में आ। रात का अंधेरा फैलते ही डबोली को होश आ गया। बड़ी तगड़ी मार लगाई इसने तो। डबोली जमीन फाड़कर बाहर आ, डबोली बाहर आ गया। गरड़ गरड़ गरड़, कहाँ गया, यह तो अब कोई नहीं है। डबोली इस वक्त तो किसी गहरे समुद्र में छिप जाए। डबोली उड़ गया, देखता हूँ कोई गहरा समुद्र मिल जाए तो उसमें छिप जाऊँगा। डबोली को समुद्र मिल गया, ये रहा गहरा समुद्र। फड़ 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 फड़, डबोली समुद्र में उतर गया। गड़ाप, थोड़ा लेटकर आराम कर लूँ। दिन के उजाले में डबोली को समुद्र के अंदर एक सुरंग नजर आई। लगता है इस तरफ कोई रास्ता है, इसमें घुसकर देखता हूँ, शायद उस तरफ मेरे लिए कोई ठिकाना मिल जाए। डबोली पेट के बाजू रेंगता सुरंग में बढ़ चला। किसने बनाई होगी समुद्र में सुरंग, यह डबोली कहाँ जा रहा है, देखते हैं यहाँ क्या है। डबोली समुद्र सुरंग से एक गार में पहुंच गया। अजीब बदबूदार जगह है। तभी सड़क सड़क, डबोली जंजीरों से बंध गया। कौन है बे, सामने आ। बड़ी मजबूत जंजीर है, मैं तो हिल नहीं पा रहा हूँ। अबे मुझे किसने बांधा है, क्यों बांधा है, क्या तौसी का कोई नया जादू है। सामने आ तौसी, धोखेबाज दुश्मन से वार करता है, जादू चलाता है। हम आ गए, सामने हम दो हैं, दो प्रेत। प्रेत, हाँ मेरा नाम सलाका और यह मेरी पत्नी सरोपी। हम दोनों प्रेत योनि में भटक रहे हैं, हमने यहाँ अपनी शक्तियों से सुरक्षित ठिकाना बनाया हुआ है। अरे मगर तुमने मुझे क्यों बांध डाला, हमने समझा कि तुम्हें तौसी ने यहाँ हमें ख़त्म करने भेजा है। वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन तुम हो कौन। डेंजर डबोली कहते हैं मुझे, सर्प देश को तहस नहस करने आया हूँ। और तुम्हारा क्या किस्सा है, मुझे क्यों बांध डाला। हम तौसी, तनी और नाग बाबा की साजिश का शिकार बनकर प्रेत योनि में मर रहे हैं, यहाँ छुपे हुए हैं। हम इन तीनों से इंतकाम लेने का प्रण कर चुके हैं, लेकिन हमारी बेबसी यह है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो नाग बाबा का कालू जी हमें पकड़ेगा। लेकिन अगर नाग बाबा हमारी सुरंग में भूल से कभी वापस आ गया तो हम कालू को भी विवश करके इसी तरह बांध देंगे जैसे तुम्हें बांधा है। बस हम उसी दिन की प्रतीक्षा में यहाँ अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी है। पिछले जन्म में टनी ने सलाका की हत्या की थी। मैं एक इच्छाधारी नागिन
उससे बदला लेने के लिए एक जन्म तक प्रतीक्षा करती रही। उसका जन्म सर्पलोक में हुआ। सलाका का शव मैंने सुरक्षित रखा था क्योंकि टनी के खून की बूंदों से सलाका जीवित हो जाता। मैं एक सपेरे की मदद से टनी को पकड़ के सर्पलोक पहुंची, लेकिन इन तीनों ने मिलकर न सिर्फ सलाका का शव जला डाला बल्कि मुझे भी मार डाला और हम तभी से प्रेतियों में भटक रहे हैं। मगर यह नाग बाबा और टनी कौन है? नाग बाबा तौसी का गुरु है, टनी उसका पुत्र है। क्या तुम अपनी प्रेत शक्ति का प्रयोग इस गार से बाहर भी कर सकते हो? हाँ, लेकिन तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक नाग बाबा और उसकी जिन को बांध न लेंगे। नाग बाबा का पता ठिकाना बताओ और मैं उसे लेकर यहाँ आता हूँ, फिर तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम हमेशा तुम्हारे हुक्म के गुलाम रहेंगे। दोनों प्रेतों ने डबोली को नाग बाबा के आश्रम का पता बता डाला। अब हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। आज़ाद होते ही डबोली सुरंग से बाहर निकला। मेरे लिए छिपने का यह सबसे सुरक्षित ठिकाना है, और अगर इन दो प्रेतों की बात सच निकली तो फिर सर्पदेश तबाह करके ही रहूँगा। डबोली रात का इंतजार करने लगा। रात को उठाऊँगा नाग बाबा को। रात के समय फड़फड़ फड़फड़ नाग बाबा अपने आश्रम में सो रहे थे। सोते समय कालू जी नाग बाबा के सिरहाने पहरा देता था। यह आश्रम बताया प्रेतों ने, पूरी कुटिया ही उठाकर ले चलता हूँ। डबोली ने कुटिया उठा ली। फच, कुटिया उठा करके उड़ चला। यह भूकंप कैसा? कुटिया में भूकंप? क्या सर्पदेश में भूकंप आ रहा है? कालू ने नाग बाबा को जगाया। नाग बाबा, नाग बाबा, क्या बात है कालू? भूकंप आ रहा है? अरे हाँ, कुटिया हिल रही है, बाहर निकल कर देखो। कालू बाहर निकला। अरे हम तो ज़मीन पर है ही नहीं। कालू वापस नाग बाबा के पास पहुँचे। हमारी कुटिया तो आकाश में उड़ रही है क्या? जब तक नाग बाबा सोचते, डबोली कुटिया को समुद्र में ले गया। गड़ाप, पानी, कुटिया में पानी भर रहा है। नाग बाबा तेजी के साथ कुटिया के द्वार से बाहर निकले। ओह, हम गहरे पानी में हैं। अंधेरे में डबोली देख सकता था। सड़ाप, डबोली ने नाग बाबा को दबोचा और पानी में उतरता चला गया। कालू, यह कोई शैतान है। कालू ने डबोली पर हमला कर दिया। ठक, कड़ाक, चाहे जितनी मार लगा ले मगर इस बुढ़े को नहीं छोड़ने वाला। डबोली नाग बाबा को सुरंग मिले। ढुसीम, कड़ाक, यह कोई भारी भरकम जीवात्मा है, कहीं शैतान डबोली तो नहीं है? डबोली नाग बाबा को गार मिले। ठपाक, नाग बाबा जंजीरों में बंध गए। डबोली ने कालू को पटका। ठपाक, कालू जंजीरों में बंध गया। सड़ाक, हा 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 हा, अब तुम दोनों में से कोई इन जंजीरों से आज़ाद नहीं हो सकता। ओह, यह तो सरोपी और सलाका के प्रेत है। इस गार में हमारी शक्ति का साम्राज्य है, तुम दोनों यहाँ अब हमारे कैदी बनकर रहोगे। चलो डबोली, चलो, और अब हम टनी और तौसी का खात्मा कर डालेंगे। फंटासी के कंप्यूटर पर दोनों प्रेतों की तस्वीरें नहीं दिख रही थी। माजरा क्या है? यह डबोली किससे बातें कर रहा है? डबोली, हम तुम्हारे दाएं बाएं कंधों पर सवार रहेंगे। हमें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं दिख पाएगा, जो हमें सिर्फ हमारे गार में देखा जा सकता है। बाएं कंधे पर सरोपी तौसी और टनी के शस्त्रों की काट करेगी, और दाएं कंधे पर बैठा सलाका प्रेत शस्त्रों से काट करेगा। बाकी जो भी सामने आएगा उसे मैं गाजर मूली की तरह खा जाएगा। हा हा हा, कहाँ है तौसी, कहाँ है टनी? डबोली ने सर्पदेश में तबाही मचा डाली। तड़ाक, सड़ाक, गरज गरज, डबोली फिर आ गया। उसे तो मैंने ज़मीन में दफना दिया था। तौसी एक बार फिर डबोली से युद्ध करने पहुँच गया। इस बार मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा, तौसी ने विकराल रूप धर लिया। तौसी दोनों हाथों से तलवारों का वार करने लगा। सड़ाक सड़ाक, सरोपी तौसी के तलवारों के हमले तलवारों से काटने लगे। यह मेरी तलवारों से किसकी तलवार टकरा रही है? खनाक,
सलाका ने तौसी पर बाणों की बरसात कर डाली। सक सक सक, तौसी बाणों से बिंधकर घायल हो गया। बाण कौन चला रहा है? पकड़ ध्वज, डोबोली को बांध डालो। बाणों से घायल तौसी धरती पर गिर पड़ा। सक सक सक, तौसी मूर्छित हो गया। आह, पकड़ ध्वज ने डोबोली को लपेट लिया। सड़ाक, इसने मुझे बांध डाला। तौसी की मूर्छा की खबर टनी को मिली। महाबली पर अदृश्य तीरों के वार हुए हैं। मुझे लगता है कोई भारी गड़बड़ है। तुम पिताश्री को अज्ञात महल में लेकर आओ, इस बीच मैं उसे रोकता हूँ। टनी युद्ध स्थल पर आ पहुँचा। हमारा दूसरा शिकार भी आ पहुँचा, मगर मुझे इस अजगर से तो छुड़ाओ। टनी हवा में दौड़ता हुआ आया। फंटासी के कंप्यूटर पर दोनों प्रेतों की तस्वीरें नहीं दिख रही थी। माजरा क्या है? यह डबोली किससे बातें कर रहा है? डबोली, हम तुम्हारे दाएं बाएं कंधों पर सवार रहेंगे। हमें तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाएगा। हमें सिर्फ हमारे गार में देखा जा सकता है। बाएं कंधे पर सरोपी तौसी और टनी के शस्त्रों की काट करेगी और दाएं कंधे पर बैठा सलाका प्रेत शस्त्रों से काट करेगा। बाकी जो भी सामने आएगा उसे मैं गाजर मूली की तरह खा जाऊंगा। हा 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 हा। कहाँ है तौसी, कहाँ है टनी? तड़ाक, डबोली ने सर्पदेश में तबाही मचा डाली। खड़ाक, गरज गरज गरज। डबोली फिर आ गया, उसे तो मैंने ज़मीन में दफना दिया था। तौसी एक बार फिर डबोली से युद्ध लड़ने पहुंच गया। इस बार मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तौसी ने विकराल रूप धर लिया। तौसी दोनों हाथों से तलवारों का वार करने लगा। सड़ाक सड़ाक, सरूपी तौसी के तलवारों के हमले तलवारों से काटने लगी। सड़ाक, यह मेरी तलवारों से किसकी तलवारें टकरा रही हैं? सलाका ने तौसी पर बाणों की बरसात कर डाली। सख सख सख, तौसी बाणों से बिंधकर घायल हो गया। बाण कौन चला रहा है? पकड़ ध्वज, डबोली को बांध डालो। सख सख सख, बाणों से घायल तौसी धरती पर गिर पड़ा। तौसी मूर्छित हो गया। आह, पकड़ ध्वज ने डबोली को लपेट लिया। सड़ाक, इसने मुझे बांध डाला। तौसी की मूर्छा की खबर टनी को मिली। महाबली पर अदृश्य तीरों के वार हुए हैं। मुझे लगता है कोई भारी गड़बड़ है। तुम पिताश्री को अज्ञात महल में लेकर जाओ, इस बीच मैं उसे रोकता हूँ। टनी युद्ध स्थल पर आ पहुँचा। हमारा दूसरा शिकार भी आ पहुँचा, मगर मुझे इस अजगर से तो छुड़ाओ। टनी हवा में दौड़ता हुआ आया। सलाका ने बाढ़ छोड़े। सक सक सक, टनी ने डबोली पर चिंबी तलवार से वार किए। खचाक, टनी ने डबोली को मार डाला। थपाक, डबोली जमीन पर धराशाही हो गया। तीर चल रहे थे। सक सक सक, लेकिन टनी आकाश में इतने ऊपर उड़ रहा था कि तीर उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इसका मतलब डबोली अकेला नहीं है, उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। डबोली के जिस्म के टुकड़े होने पर पकड़ ध्वज ने उसे छोड़ दिया। अब तो यह गर्म खत्म हो गया। खत्म तो तब होगा जब मैं चाहूँगा। मैं इसे जोड़कर फिर खड़ा कर दूंगा। मैं पाताल में सर्प देश को अपनी राजधानी बनाऊंगा। आगामी अंक में पढ़िए तौसी की प्रेतात्मा। आगामी अंक में पढ़िए तौसी की प्रेतात्मा। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। इसका नेक्स्ट सीरीज मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जिन भाइयों बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नहीं।